तो आज के हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ किस तरीके से हम अपने डेटा को शॉर्ट करेंगे। जी हाँ, किस तरह से अपने डेटा को हम शॉर्ट करेंगे। तो डेटा की जो शॉर्टिंग मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा एक यूजफुल चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप डेटा की जो शॉर्ट होती है मतलब कि अरेंज करते हैं, ठीक है सर, क्योंकि अरेंज करना जरूरी होता है। ऑडियो सेलेक्ट कीजिए माइक के सिंबल पे दो बार क्लिक करके, डिवाइस ऑडियो या वाईफाई ऑडियो। जैसे आपके सामने एक डेटा अभी दिख रहा है, मुझे इस डेटा में मान लीजिए शॉर्ट करना है, और शॉर्ट करते समय मुझे एक चीज को ध्यान रखना है कि मेरा डेटा सीक्वेंस नहीं रहना। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, कॉलन को सिलेक्ट करके शॉर्ट कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉलन को सिलेक्ट करके मत शॉर्ट कीजिए। हाँ, डेटा को सिलेक्ट करके शॉर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट करते समय इसका ध्यान रखें कि डेटा के अंदर कोई ब्लैंक रो ना हो। अगर पूरी की पूरी रो अगर ब्लैंक हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगी। सो पूरी की पूरी रो आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान आप रखेंगे, पहली चीज। अब इसमें हम बात करते हैं कि डेटा शॉर्ट क्यों करना पड़े। देखिए, मान लीजिए कि आप अपने घर पे, अरे आप अपना रिजल्ट चेक करने के लिए स्कूल में गया, तो अगर आपका स्कूल में रोल नंबर सीक्वेंस से है, रोल नंबर वाइज डेटा अरेंज है, तो आप जाके देख लेंगे, या फिर नेम के हिसाब से है, तो अगर नेम बाई शॉर्ट है तो आप जैसे आपका नाम अगर मोहन है तो सीधे आप एम वाले सीरीज पे चले जाएंगे, ना कि पूरी डेटा को देखेंगे। पूरी डेटा को कब देखना पड़ेगा आपको, जब आपका कोई सीक्वेंस कोई सीरीज पे अरेंज ना हो डेटा, तो आपको पूरी की पूरी रो को चेक करना पड़ेगा, पूरी की पूरी रो को चेक करना पड़ेगा। तो यही प्रॉब्लम आपके साथ यहाँ भी होती है। तो मेरे पास जो डेटा आप देख पा रहे हैं, मुझे इसको शॉर्ट करना है। तो मुझे अगर किसी एक कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम पे जाएंगे और यहाँ ए टू जेड कर देंगे, शॉर्ट हो जाएगा। और जब भी शॉर्ट होगा पूरा का पूरा रो एक साथ ऊपर नीचे जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। अब इसमें आती है बारी कि ऑफिस में क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे जनवरी की सबसे टॉप 5 सेल चाहिए, तो इसमें टॉप 5 की फिल्टर और बाकी चीज करने से अच्छा है कि जाइए शॉर्टिंग में जाइए और सीधे इसको कर दीजिए A Z to A, मतलब कि लोअर टू हायर, Z to A करते ही आपके पास आ जाएगा। यहाँ जो हाईएस्ट था वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, यहाँ से उठा लीजिए। तो शॉर्ट हम सिंगल किसी कॉलम को अकॉर्डिंग करना है तो कर्सर रखेंगे और सीधे शॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग कर लेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने, मान लीजिए कि मैंने यहाँ नेम बाई शॉर्ट कर लिया, नेम बाइज मैंने शॉर्ट कर लिया, तो शॉर्ट करते ही आपने देखा कि मेरा नेम के अंदर जो ए है सिटी है ना, वो शॉर्ट नहीं है। जैसे MUZ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, नोएडा ऊपर भी है, नीचे भी है, दिक्कत हो गया। हम चाहते हैं कि नेम भी शॉर्ट हो जाए, सिटी भी शॉर्ट हो जाए। आप बोले सर सिटी के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दे, तो फिर आपका नेम गड़बड़ हो जाएगा। नेम आपका प्राइमरी है, इसके अंदर का जो सिटी है वो सेकेंडरी शॉर्ट हो। उस समय हम कस्टम शॉर्ट पे जाते हैं, और कस्टम शॉर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे हम ऐड लेबल पे क्लिक करेंगे, और ऐड लेबल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ID, नेम, सिटी जो भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मुझे सिटी करना है तो मैं यहाँ सिटी सिलेक्ट कर लिया, देन ओके। सिटी सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया, तो आप देख सकते हैं कि मेरा अजीत यहाँ आया, फिर MUZ आया, फिर यहाँ नोएडा आया। अब इसके अंदर जैसे जोन है वो शॉर्ट नहीं है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, कस्टम शॉर्ट, सॉरी कभी सिलेक्शन नहीं करना है, हाँ सिंगल सिलेक्शन, कस्टम शॉर्ट एड लेवल। अब ये लेवल नीचे आना चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको नीचे कर दे रहा हूँ सिटी के पास, और मैंने जोन को सेलेक्ट कर लिया, देन ओके।
अब यहाँ पे देखिए अजीत के अंदर, मेमोजेट के अंदर सेंट्रल है, ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, इस तरह से शॉर्ट हुआ है। तो कोई भी शॉर्ट आप इसी तरह से कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट करते समय हम कुछ वैल्यू को हाईलाइट कर देते हैं इस तरह से। अब मुझे हाईलाइट कब करते हैं, जब मुझे लगता है कुछ इसमें गड़बड़ है या कुछ अलग चीज है, बाद में मुझे ढूंढने में दिक्कत ना हो, तो हम उसको सेलेक्ट करके हाईलाइट कर देते हैं। एट द लास्ट मुझे क्या होता है कि सारे हाईलाइट्स को इकट्ठा रखना होता है, या तो आप कलर के अकॉर्डिंग भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो आपको जाना है कस्टम शॉर्ट में। अब यहाँ से पहले से शॉर्ट लगा हुआ है, उसको यहाँ से डिलीट डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना जैम। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सेल वैल्यू, सेल वैल्यू। अभी सेल वैल्यू के जगह पे मैं सेल कलर चूज करूंगा, और यहाँ से अपना कलर चूज करके अब ऑन द टॉप रखना है या ऑन द बॉटम रखना है, यू कैन सिलेक्ट एंड जस्ट ओके। तो यहाँ पे देखिए आपका ये ऑन द टॉप और ऑन द बॉटम वाला सिस्टम आ गया। यहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक आप कलर वाइज भी शॉर्ट कर सकते हैं। अब दूसरा बात आता है कि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो आइकन्स होते हैं, मान लीजिए इस आइकन का यूज कर लिया, अब मुझे जो अपर वाला जो है ना नंबर, उसको टॉप पे रखना है। तो आप शॉर्ट में जाइए, कस्टम शॉर्ट में मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ जैन, कलर की जगह पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कंडीशनल फॉर्मेट। जी हाँ, कंडीशनल फॉर्मेट आइकन, और यहाँ से हम अपने आइकन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, देन ओके। तो देखिए ये आइकन सिलेक्ट हो गया। तो आप अपने आइकन को भी सिलेक्ट करके शॉर्ट कर सकते हैं। ये आपका कस्टम शॉर्ट का यूज हुआ। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास डेटा कैप्स में भी होता है और स्मॉल में भी होता है। सिटी को ले लीजिए, MUZ, और कहीं कहीं पे मेरा क्या है, कैप्स है, और कहीं पे स्मॉल है। अब मान लीजिए मैं अगर सिटी के हिसाब से शॉर्ट करता हूं, सॉरी, तो यहां देखिए मिक्सअप है, मिक्सअप है ना। तो इस केस में मैं शॉर्ट करते समय यहां मैं सिटी लेता हूं, और ऊपर ऑप्शन में के सेंसिटिव, जी हाँ, के सेंसिटिव को करके ओके कर देता हूँ। तो देखेंगे कि अब आपका बड़ा जो कैपिटल लेटर जो होगा एक जगह पे यहाँ इकट्ठा हो गया। तो इस तरह से कैपिटलाइज किया जाता है, बट ये तो नॉर्मली फॉन्ट है, आप लोग इसको यूज करते हैं। चलिए कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मंथ डाला हुआ है, अब मंथ के हिसाब से मुझे शॉर्ट करना है जैन फैब के हिसाब से। तो नॉर्मल आप अगर शॉर्ट लेते हैं तो क्या होगा, ये अप्रैल पहले आएगा। अब ऐसा मत सोचिए कि फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट हुआ है, वो अल्फाबेटिक शॉर्ट हुआ। अप्रैल के बाद अगस्त आएगा, उसके बाद दिसंबर आएगा, क्योंकि वो अल्फाबेट शॉर्ट कर रहा है, ना कि आपके कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर रहा है। तो इसको कैसे करें ताकि वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो, तो उस केस में हम कस्टम सॉर्ट पे जाते हैं, जहां ए टू जेड और जेड टू ए सिलेक्ट करते हैं, यहीं पे आता है कस्टम लिस्ट। इस कस्टम लिस्ट पे जाते हैं, और कस्टम लिस्ट पे जाने के बाद हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट करना हो। तो मुझे जैन फैब सेलेक्ट करके ओके कर लिया, देन ओके। तो और सॉरी, शॉर्ट के लिए जैन फैब के अकॉर्डिंग कैप्स में है, अच्छा सेल वैल्यू हो गई, जैन फैब कस्टम लिस्ट में आते हैं। बट के सेंसिटिव तो ना, ये ऊपर माफ की नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला सिलेक्ट करना। हाँ, ऊपर वाला जैन फैब, एंड ओके, देन ओके। ओ जनवरी फरवरी लिख के नीचे ड्रैग करते हैं, अब देखते हैं केस सेंसिटिव है, बट पिछले वर्जन में तो नहीं था ऐसा। हाँ,
अब सॉर्ट हुआ कि केस सेंसिटिव है सर, ध्यान रखिएगा, बड़े छोटे का फर्क रखता है, तो छोटा कर लीजिए कैप्स में। ओके नहीं नहीं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने ऊपर ऑप्शन में केस सेंसिटिव सर्च कर रखा था, माफ कीजिएगा, ये केस सेंसिटिव ऐसे नहीं होता है, तो मैंने अगर जैन लिख के नीचे ड्रैग कर दिया तो वह आपका काम करेगा। कस्टम सॉर्ट, यहाँ पे हम इसको सॉर्ट करेंगे, तो देखिए जैन पहले आया, देन फरवरी आया, तो इससे पहले क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने ऑप्शन में जाके केस सेंसिटिव कर दिया था, हमने बोल दिया था कि बड़े छोटे का फर्क करो, बाय डिफॉल्ट फर्क नहीं होता है। तो यहाँ पे आप अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहे, जैसे मुझे कैलेंडर ईयर के लिए फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चॉइस करना है तो मैं न्यू लिस्ट पे जाऊंगा, फाइनेंशियल ईयर का लिस्ट दे दूंगा यहाँ पे एंड ओके कर दूंगा, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग सॉर्ट होगा। आपका जो नाम है, आप चाहते नेम के सिक्वेंस हो, मतलब कि अल्फाबेटिक ना हो, पहले मेरे हिसाब से पूजा आए फिर नीरज आए, इस तरह से मेरे हिसाब से हो, वो भी आप कस्टम सॉर्ट में जाके कर सकते हैं, कस्टम सॉर्ट। और यहाँ हम जो है अपना नेम लिस्ट मैंने बना रखा है, बट आप न्यू लिस्ट में जाके अपना लिस्ट तैयार कर सकते हो ऐड करके। ये हमने आपको एक्सेल की सेटिंग वाली क्लास में पढ़ाई थी, देन ओके, देन ओके, तो यहां भी आपका उसी हिसाब से शॉर्ट होगा। तो शॉर्ट समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट इसमें? नो सर। अब इसमें चलिए थोड़ा सा और ट्रिक्स लेके चलते हैं। अब ट्रिक्स ये है कि मुझे हर एक रो के बाद ब्लैंक रो इंसर्ट करना है, हर एक रो के बाद ब्लैंक रो कुछ इस तरह से इंसर्ट करना है, हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो, तो मैनुअल तो काफी दिक्कत होगा, तो ये थोड़ा ज्यादा है डेटा, काफी ज्यादा है, थोड़ा सा डेटा कम कर देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद एक सीक्वेंस नंबर डालूंगा 1 2, और इस सीक्वेंस नंबर को नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा, और फिर इसी सीक्वेंस को कॉपी करके इसके नीचे एक बार और पेस्ट कर दूंगा। तो हमने यहाँ पे सीक्वेंस नंबर रखा और इसी सीक्वेंस को मैंने एक बार और पेस्ट कर दिया, फिर यहां कस्टम सॉर्ट पे आए, सीरियल नंबर पे आए, और यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए, हाँ लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, ओके कीजिए। अब दोनों वन इकट्ठा हो जाएगा, नीचे भी वन था ए वन भी इकट्ठा हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया कि कभी भी शॉर्ट होता है सिंगल डेटा नहीं आती है, पूरी की पूरी रो डेटा आती है, तो दूसरा वन जो नीचे था उसको तो ब्लैंक था। चलिए इसको एक बार और समझाते हैं, हमने क्या किया, सिंपल सा 1 2 का सीक्वेंस लिया और ड्रैग कर दिया, मतलब जितने भी नंबर थे कुछ एक सीरियल नंबर दे दिया, फिर कॉपी करके उसी सीरियल नंबर को नीचे रिपीट कर दिया। हुआ क्या कि एक जैसे एक ऊपर वन है जहां डेटा है और नीचे वन है जहां ब्लैंक रो है, जब हम सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करूंगा तो दोनों वन यहां इकट्ठा हो जाएगा, और जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूं कि कभी भी डेटा सिंगल नहीं आता, पूरा का पूरा रो लेके आता है, तो इसे क्या होगा कि एक रो एक डेटा हो जाएगा, एक ब्लैंक रो, एक डेटा एक ब्लैंक रो, एक डेटा एक ब्लैंक रो। तो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, देन ओके हो गया। बाद में हम सीरियल नंबर को डिलीट कर दीजिए, किसको पता चलना चाहता है कि आपने कैसे किया। अब इसमें लास्ट चीज आती है कि जब भी हमारे पास कभी डेटा आता है उसमें बहुत सारे ब्लैंक रो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे ब्लैंक रो है, अब मुझे इस ब्लैंक रो को रिमूव करना है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं फिल्टर लगा के डिलीट करते हैं, तो फिल्टर लगा के डिलीट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ पे हम करते हैं सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट, और किसी एक के अकॉर्डिंग जैसे आईडी ले लिया, आईडी के अकॉर्डिंग ही हम इसको सॉर्ट कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि डेटा सारा ऊपर हो जाएगा और ब्लैंक पूरा नीचे हो जाएगा, मतलब ब्लैंक रो को डिलीट नहीं करेगा, नीचे की तरफ शिफ्ट कर देगा। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक।